बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं अचारी बैंगन। अचारी बैंगन बनाने के लिए मैंने लिया है एक पाव बैंगन और उसके मैंने कांटे निकाल लिए हैं। और मैंने लिया है एक चमचा कुटा हुआ अदरक, एक चमचा कुटा हुआ लहसुन, एक चमचा इमली का गूदा पल्प, और मैंने लिया आधा चमचा साबुत धनिया, आधा चमचा साबुत ज़ीरा, और मैंने एक चौथाई चमचा अजवाइन ली है, एक चौथाई चमचा मेथी दाना, आधा चमचा राई दाना, आधा चमचा सौंफ, एक से डेढ़ चमचा कुटी हुई लाल मिर्च, और मैंने लिया है कलौंजी एक चौथाई चमचा और चार चमचा ऑयल, और हमने इसमें हल्दी डालनी है आधा चमचा। अब ये सब मसाले जो हैं साबुत, इसे हमने एक जार में डालकर पीस लेना है, बारीक नहीं मोटा मोटा। ये देखिए साबुत मसालों को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है मोटा मोटा। बैंगन को हमने इस तरह से चार पीस कर लेना है। ये देखें इस तरह से इसे हमने चार पीस कर लेंगे इसके। इसी तरह हमने सब काट लेना है। ये देखें इस तरह से हम इसे काट लेंगे चार चार पीस में। ओके, ये देखें अब एक बर्तन में हम डाल लेंगे चार चमचा ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम बैंगन डालकर अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ये देखें ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया, इसमें हम डाल देंगे ये कटे हुए बैंगन, और डालकर इसे हमने चला लेंगे और इसे हम ढक कर छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। ओके, ये देखें बैंगन को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे हसबे जायका नमक, आप अपने जायके के मुताबिक नमक डाल लें। और इसमें हम डाल देंगे कलौंजी और लहसुन का कुटा हुआ और ये अदरक कुटा हुआ डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हम 5 मिनट तक और पकने देंगे। 5 मिनट तक इसे हम और पकने देंगे ढककर स्लो आंच पर। इसी में हम डाल देंगे हल्दी पाउडर भी। हल्दी पाउडर डालकर भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है बैंगन में। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे ढककर हम 5 मिनट तक पकने देंगे। ये देखें बैंगन को पकते हुए 5 से 10 मिनट हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी तरह से फ्राई हो गया है बैंगन। अब इसमें हम डाल देंगे अचारी मसाला हमने बनाया है। ये देखिए मसाला जो मैंने साबुत पीसा था वो डाल देंगे हम। पीसने के बाद 2 चमचा हो गया ये, और इसे डालकर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको खटास देने के लिए इसमें हम डाल देंगे 1 चमचा इमली का गूदा, 1 चमचा डाल देंगे पानी, और हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसे हम 5 मिनट तक और पकने देंगे। 5 मिनट बाद अचारी बैंगन बनकर तैयार हो जाएंगे। आप लोग घर पर इसे ज़रूर ज़रूर बनाएं मेरी रेसिपी से, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बनता है। आप घर पर बनाएं मेरी रेसिपी से, मुझे कमेंट बॉक्स में कर ज़रूर बताएं कि कैसे बने आपने बनाया घर पर, तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप इसे दाल चावल से खा सकते हैं, पराठे से, रोटी से, खिचड़ी से, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े का लगता है। इसे हम ढककर 5 मिनट तक पकने देंगे स्लो आंच पर। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अचारी बैंगन बनकर तैयार है। आप लोग घर पर ज़रूर बनाएं, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बनता है अचारी बैंगन। अब इसे हम करेंगे सर्व। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अचारी बैंगन बनकर तैयार है। आप लोग घर पर ज़रूर ज़रूर बनाएं, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें,
और हमारे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।